कौन सा वाला? कोई भी भोजपुरी। प्यार करके फंस गए यार। चढ़ गई गाली तेरी नार सुने रिकॉर्ड। मैं नची नची सॉरी ये गाना शादी में नहीं। हाय हाय जी इतना गंदा गाना आपने। मैं तो सोची सपूत का गाना। ये एक्चुअली शादी में जो लोग आते हैं शुभेच्छाएं देने के लिए तो वो गाना गाते हैं। तो शादी का कौन सा गाना? अच्छा आपने कहा नहीं कि जो भी हमारी शादी में आए वो कोई गिफ्ट न लाए। अच्छा दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है। तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। देखिए लोगों की शादियां जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियां 5-6 दिन होती है, लेकिन हमारी जो रस्में हैं शादी है वो 20-25 दिन चलेगी। तो हनीमून कब करेंगे फिर? एक महीना बाद। देखो राखी है जो तुम्हें, लेकिन सुनो 4-5 बार हल्दी लगेगी, 4-5 बार मेहंदी लगेगी, तो वैसलिन कब लगेगा? तुम्हें वैसलिन की ज्यादा जरूरत है, अभी तो बड़ी बड़ी है, उसको सिलने तो दो पहले। अरे तुम पीली होने से अच्छा ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है यार। ऐसे मत करो राखी, इतने लंबी लंबी तुम रस्में कस्में करोगी तो फिर मतलब वो बाकी के काम कब होंगे? हमें कांड भी तो करने हैं ना, जब यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे जानो तुम कांड करने के लायक नहीं हो, थोड़ा समझो राखी। तुम्हें मेरे बारे में धारणाएं गलत है और ये गलत धारणाएं गर्भ धारणाएं होने के बाद विश्वास चलेगा इसको। कांड नहीं कर जब गर्भ धारणाएं होगी ना तो मेरे बारे में जो धारणाएं है वो गलत है तब इसको पता चलेगा। कौन सी धारणा? गर्भ धारणा। ये क्या होता है? मतलब प्रेग्नेंट होगी तुम राखी, समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी राखी। मैंने वीडियो में वैसे कहा लेकिन रियलिटी में हमारे 20 बच्चे होंगे। इसके हमारे हम पूरी क्रिकेट टीम बना सकते हैं। ह्यूमन सर्वो के मतलब तुम शादी मुझसे करा रहे, तुम्हारे सारे लोग कोई सरोगेट नहीं, कोई कुछ नहीं राखी, वो सब हम दोनों मिलकर निर्माण करेंगे, तुम समझने की कोशिश करो। तुम सार्वजनिक हो, मैं सार्वजनिक नहीं हूँ, मैं पवित्र। मतलब ये सब मेरे साथ करने के बाद होंगे वो 20 बच्चे। अच्छा तुम पैदा करोगे तुम्हारे साथ करने से? तो तुम्हें अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या राखी मैं एक मर्द हूँ और मैं तुम्हें बहुत बच्चा दर्द देने वाला हूँ। अच्छा डेफिनेटली। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतनी समझ नहीं पा रही है, जबकि मैंने उसको कामशास्त्र के पाठ भी पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मेरे कामशास्त्र। मैं नादान हूँ, मुझे डेटिंग बहुत सारी चीजें हर जगह जाते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे मालूम है आप जानते हैं। मैंने जो आपके पास वर्जिनिटी का आई डोंट नो व्हाट। अरे जब तुम लॉस एंजेलिस में आई थी और जब मैंने तुम्हें वो चॉकलेट पैंटी पहनाई थी और जब मैंने तुम्हें वो कैसी पिघलती है और किस तरह से वो चॉकलेट को चाट कर सामने वाले को उत्तेजित किया जाता है वो सब मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हारे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। चॉकलेट कब चाटी आपने? राखी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये पल्लू तुम हटा दो, जब तुम ये पल्लू हटाओगी तो सब तुम्हारे पल्ले पल्ले पड़ेगा। भारतीय नारी की साड़ी पे हाथ नहीं लगाना।